नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शनिवार भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनावी गठबंधन से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि देश में उसके क्या मंसूबे हैं। सीएम भजनलाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर कांग्रेस की नीति से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी से 10 सवाल भी पूछे। राजस्थान जयपुर में बारिश का दौर अब भी जारी है। आज जयपुर में न्यूनतम तापमान 25.44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर हल्की बारिश रही और अधिकतम तापमान 29.28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जल्दी खाटू श्याम और सालासर बालाजी धाम के दर्शन की यात्रा करना और भी आसान होने वाला है। राजस्थान में अब खाटू श्याम और सालासर धाम तक ट्रेनें पहुंचेगी। रेलवे ने पटरी बिछाने को हरी झंडी दिखा दी है और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद भारतीय रेलवे ने सीकर जिले के रिंगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम जी कस्बे तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक वीडियो जारी करके बीजेपी के 9 महीने के कार्यकाल पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं ने अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े भाषण दिए थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी है तब से भाजपा हर मोर्चे पर विफल रही। जनता दुखी है, परेशान है, लेकिन जनता की सुनने वाला कोई नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप करना जरूरी होगा। इसके लिए महाविद्यालय में काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में UGC के दिशा निर्देश के अनुसार छात्रों को इंटर्नशिप करनी होगी। वहीं विश्वविद्यालय छात्र दस्तावेज में नाम या माता पिता के नाम में परिवर्तन के मामले में नाम के साथ पूर्व के नाम का उल्लेख होगा। ये निर्णय राजस्थान विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद की शुक्रवार को सीनेट हॉल में हुई बैठक में लिया गया। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास की ओर से हर साल की भांति इस बार भी जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। 26 अगस्त को आयोजित होने वाले जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम को लेकर शनिवार को भूमि पूजन कर ध्वजारोहण किया गया। दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास के चिमन मित्तल ने बताया कि दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास की ओर से करीब 25 सालों से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में चल रहे मुकदमे में सुनवाई 5 सितंबर को होगी। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायालय में परिवादी बीजेपी नेता गवाही देने नहीं आए। आरोप है कि राहुल गांधी ने 2018 में अमित शाह को हत्यारा कहा था। इस मामले में राहुल गांधी पर मुकदमा चल रहा है। अब परिवादी को साक्ष्य के लिए तलब किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी। पवन खेड़ा ने कहा कि हम अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि PDP से इन्हें समझौता किया था क्या। PDP का मैनिफेस्टो पढ़ा था। PDP के मैनिफेस्टो से सेल्स रूल के बारे में डॉक्यूमेंट था। उसके बाद भी आपने समझौता करके सरकार बनाई। आरक्षण का मामला इन दिनों देश में गरमाया हुआ है। ऐसे में इसे लेकर बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जजों ने आरक्षण को लेकर जजमेंट नहीं बल्कि सुझाव दिया था। उस सुझाव को मायावती जी को पढ़ लेना चाहिए। हम PM मोदी से अनुसूचित जनजाति के सांसद पार्लियामेंट में मिले थे। उनको बताया था कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां आरक्षण का मामला उठाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर कोई डायरेक्शन लेता है तो मोदी जी का संकल्प है कि उस फैसले को बीजेपी की सरकार बदल देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में CBI ने हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी है। इस मुद्दे पर आतिशी ने CBI को घेरा और आरोप लगाया है कि जिस हलफनामे को दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है वो हलफनामा आज के अखबार में प्रकाशित है। ऐसे में आतिशी का दावा है कि CBI ने कोर्ट में झूठ बोला है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप देख रहे हैं खबर दिन भर। नमस्कार।